नाउ नेक्स्ट ही एग्जांपल व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जांपल. इस केस में जस्ट प्रोवाइड क्या किया, स्ट्रिंग ऑपरेशंस. स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स प्लस स्ट्रिंग के प्लेस पर जस्ट एवरी टाइम रिप्लेस क्या कराओगे, इट्स बेस एड्रेस. मींस थ्रू आउट प्रोग्राम अगर आपको कहीं भी स्ट्रिंग फाउंड हो रहा है देन स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में सबसे पहले कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, डायग्राम. दोनों स्ट्रिंग के अंदर मैंने सेम कंटेंट्स प्रोवाइड किए, उसके इसमें दोनों ही एक्सप्रेशन में सेम डायग्राम के थ्रू कंप्लीट कर लूँगा. फर्स्ट वन मीन्स जैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले जनरली देखा जाए तो स्ट्रिंग के केस में जस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डायरेक्टली पॉसिबल नहीं, लेकिन यहाँ ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन वैलिड है. इसका मेन रीजन क्या है, स्ट्रिंग्स आर रिप्लेस्ड बाई बेस एड्रेस और एड्रेस मीन्स पॉइंटर. पॉइंटर में इंक्रीमेंट कराना भी पॉसिबल होता है, डिक्रीमेंट करना भी पॉसिबल होता है. उसके इसमें सबसे पहले EDCBA एक को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रिएट क्या करेंगे, सम डायग्राम और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन. इस स्ट्रिंग के अंदर टोटल 5 कैरेक्टर्स इनिशियलाइज हुए हैं देन प्लस स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे को नल से, तो टोटल कितना साइज एलोकेट होगा, जस्ट 6 बाइट्स. फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस अगर 100 है, रिमेनिंग प्लेसेस का एड्रेस क्या हो, 101 102 3 104 एंड 105. एरे के केस में कोई भी नेम असाइन हुआ है क्या, नहीं. फर्स्ट प्लेस पर असाइन क्या हो जाएगा, कैरेक्टर EDCBA एंड टर्मिनेटेड बाई नल कैरेक्टर. तो जहां भी आपको स्ट्रिंग शो हो रहा है दैट वन स्ट्रिंग के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या कराएंगे, स्ट्रिंग का बेस एड्रेस. स्ट्रिंग क्या है, एरे. मेमोरी के अंदर क्रिएट किस फॉर्म हुए, एज अ एरे. और एरे नेम के प्लेस पर और एरे के प्लेस पर रिप्लेस क्या होता है, इट्स बेस एड्रेस. फाइनली EDCBA के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम 100. देन परफॉर्म क्या होगा, एडिशन. एडिशन के केस में रिजल्ट क्या आएगा, 102-1. नेक्स्ट टाइम इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 102-1 इज 100. तो फाइनली प्रिंट एफ के अंदर सप्लाई क्या होगा, 102-1 इज 101. प्रिंट एफ में पास कर रहा हूँ 101. प्रिंट एफ क्या करेगा, उस लोकेशन से कैरेक्टर रीड करेगा जिस लोकेशन का बेस एड्रेस 101 है, इस दैट प्लेस ऑन बोर्ड. प्लस ये एलिमेंट्स रीड होने के बाद डिस्प्ले का होंगे ऑन द मॉनिटर. प्लस ये डिस्प्ले कब तक करेगा, जब तक इसको नल का ऑकरेंस नहीं मिल जाता. करंट प्लेस पर क्या डी, डिस्प्ले क्या होगा डी. नेक्स्ट प्लेस पर क्या फाउंड हो रहा है, सी. अगेन क्या प्रिंट होगा, सी. नेक्स्ट प्लेस पर क्या फाउंड हो रहा है, बी. सिमिलरली ए. ए के जस्ट बाद क्या फाउंड हो रहा है, नल. देने प्रिंट करना स्टॉप कर दे. तो फाइनली फर्स्ट प्रिंट एप के रिस्पेक्ट में आउटपुट का प्रिंट हुआ DCBA एक्सेप्टिंग ई. सेकंड प्रिंट एप, सेकंड प्रिंट एप में स्लैश एन के थ्रू लाइन चेंज हो चुका है. देन अगेन इसे एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करें तो स्ट्रिंग के केस में सेम स्ट्रिंग यूज किया, स्ट्रिंग के प्लेस पर रिप्लेस क्या करा देंगे, बेस एड्रेस. बेस एड्रेस क्या, 100. इट विल बिकम्स लाइक अ 2 ऑफ 100 प्लस 2. क्लियर. नेक्स्ट वन, 2 ऑफ 100 को आप कंपेयर कर सकते हो लाइक एरे एक्सप्रेशन ए ऑफ आई और आई ऑफ ए. आई ऑफ ए का जस्ट कन्वर्जन क्या होता है, इक्विवेलेंट स्टार आई प्लस ए. इस प्लेस पर आई के प्लेस पर क्या ऑफर हुआ है, जस्ट 2. एंड ए के प्लेस पर ऑफर क्या हुआ, 100. 100 किस टाइप का एड्रेस है, कैरेक्टर एड्रेस. इंक्रीमेंट कितने से होगा, 2 से. क्या आएगा, 102. जब स्टार 102 के लिए अप्लाई हुआ, रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू ऑफ लोकेशन 102. मीन्स जिस लोकेशन का एड्रेस 100 उसका नेम क्या होगा, स्टार 100. जिस लोकेशन का एड्रेस 101 इसको नेम क्या दोगे, स्टार 101. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टार ऑपरेटर. देन 10*102 एंड सो ऑन. क्लियर. फाइनली स्टार का वर्किंग क्या था, स्टार के केस में रिक्वायर्ड ऑपरेंड कैसा होना चाहिए, शुड बी एड्रेस. फाइनली इसके लिए अप्लाई क्या हुआ, एड्रेस. जब भी किसी एड्रेस के लिए अप्लाई करो, रिटर्न क्या करे, वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस. तो स्टार 102 में वैल्यू क्या स्टोर है, कैरेक्टर सी. इसका रिप्लेसमेंट किससे हुआ, कैरेक्टर सी. और सी के केस में इसे ओवरऑल स्ट्रिंग के प्लेस पर क्या जाएगा, जस्ट सी. सी के केस में सी का आस्की वैल्यू क्या है, 67. 67 प्लस 2 इज 69, विच इज आस्की वैल्यू ऑफ 69. आस्की वैल्यू किसका है, ए का आस्की वैल्यू क्या है, 65. बी का 66. सी का 67. डी का 68. ई का 69. तो इसके इसमें आस्की वैल्यू किसका, ई का. डिस्प्ले कैसे करा, परसेंट ई से. इससे डिस्प्ले क्या हो, कैरेक्टर ई. क्लियर. दिस इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड.